Good evening, all of you. Welcome you to study time once again. हम लोग मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम मोहम्मद घोरी यानी कि मोहम्मद घोरी का डेथ हो चुका था. अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का किंग बन चुके हैं, ठीक है. और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या कारनामे किए हैं और उनका डेथ कैसे हो गया और उसके बाद कौन आया, इनके बारे में जानना है. तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत. बहुत लोगों को इन दो चीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है. पहला चीज़ क्या, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इस कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक. हम पिछले वीडियो में स्टोरी पढ़ रखे थे कि मोहम्मद घोरी का एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी की डेथ हो गया 1206 में, ठीक है. उसके बाद हमारा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ. द फाउंडर कौन बन गए दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक. बट द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज इल्तुतमिश. क्यों ऐसा, क्यों कोई दूसरे ने इसे खोज किया पर नाम इसका हुआ, ऐसा क्यों? तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं. बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ डाउट है. प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें आगे ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिन बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन है, ठीक है. चलो देखते हैं नेक्स्ट. ये देखो हमारा प्यारा सा भारत, ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, हम जिसे इंडिया कहते हैं. ये रहा दिल्ली सल्तनत जहाँ सोने की खदान है और इस खदान के बारे में हम बात कर रहे हैं. यह हमारा स्टोरी का पार्ट 3 का वीडियो है. जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, कृपया करके वो उस वीडियो पहले देख लें ताकि इस वीडियो में उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. चलो देखते हैं. पहला दिल्ली सल्तनत, इलाबरी डायनेस्टी. पहला डायनेस्टी 1206 में स्टार्ट हुआ, 1526 में ख़त्म हुआ, ठीक है, 1526 में. तो पहला डायनेस्टी कौन था, इलाबरी डायनेस्टी. मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि वो एक स्लेव था. किसका था ना, मोहम्मद घोरी का स्लेव था. यानी कि अगर मोहम्मद घोरी का स्लेव था यानी कि तो पहला कौन सा शुरू होगा, इलाबरी डायनेस्टी, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लेव डायनेस्टी. चलो दूसरा कौन सा, खिलजी डायनेस्टी. उसके बाद कौन सा आया, तुगलक डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. कितने डायनेस्टी हैं वहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर 5 डायनेस्टी हैं. और इसे याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. इसमें से कोई डायनेस्टी बहुत लंबी देर तक चली और कोई डायनेस्टी बहुत कम देर पे ही ख़त्म हो गई, जो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. चलो इसे बस याद रखने का एक आसान सा तरीका और आसान सा ट्रिक, और ऐसा ट्रिक जो कभी आप भूलोगे ही नहीं, जैसा कि ट्रिक आप कभी भूलोगे ही नहीं, देखते हैं उसका क्या है. इतना खिल तू, खिल का मतलब है इतना खुश बन जा तू, शायद लव हो जाए, शायद लव हो जाए. इतना खिल तू शायद लव हो जाए, यानी कि इतना IT इलाबरी डायनेस्टी. इतना से हम याद रख सकते हैं कि इलाबरी डायनेस्टी है. दूसरा खिल से खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, तीसरा सायद डायनेस्टी, चौथा और पांचवा कौन है, लोधी डायनेस्टी. सायद से आप सायद याद रख सकते हो, लव सबको याद रह जाएगा लव, तो लव से लोधी डायनेस्टी, खिल से खिलजी, तू से तुगलक, इलाबरी डायनेस्टी. चलो आगे चलते हैं. ये देखिए हमारा शुरू हो गया मिडेवल इंडिया. अच्छा, मिडेवल इंडिया का हम करते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 AD दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका किंग बन चुके हैं, यानी कि अब स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गया. कौन सा, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गया. तो ही इज ए स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी. मैंने तुम्हें बताया था मोहम्मद घोरी के साथ, मोहम्मद घोरी जो मर गया 1206 AD में, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे स्लेव आए थे पर उनमें से बहुत बहादुर स्लेव था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है.
जिसके कारण वो ही वॉज द वो बन गया क्या बन गया ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. उसका नाम है आइबाक, मीन्स गॉड ऑफ मून, उसे कहा जाता है. उसने क्या किया, जो इतना चालाक और इतना बहादुर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कि उसने कहीं ना कहीं कुरान रट्टा लगा चुका था, यानी कि कुरान को वो फुल्ली रीड कर लिया था और दिमाग में प्रिंट कर लिया था, उसके भगवान की दुआएं थी. ठीक है, तब इसलिए उसका नाम क्या बन गया ना, कुरान खान. ही वॉज द फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी एंड सबक्रिटी. और भी उसे क्या बोल जाता है, लकवक्स, यानी कि वो लाखों का दान करता था, यानी कि उसे पास कोई आता था तो उसे दान करता था बहुत, इसलिए उसको लकवक्स कहा जाता है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ. अच्छा, और उसने क्या क्या कारनामे किए हैं, ठीक है, क्या क्या कारनामे किए हैं उसे हमें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये चीज़ किसने बनाया है, वो चीज़ किसने बनाया, ताकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ना. आइबा कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार एट दिल्ली 71.4 मीटर विच वॉज डेडिकेटेड टू सूफी संत कुतुबुद्दीन आइबक और भक्तियार काकी. यानी कि जो कुतुब मीनार बनाया गया था उसे किसके फाउंडेशन में दिया गया था ना, आइबक ने फाउंडेशन दिया था उसे. ठीक है, और वो कितना मीटर का था, 71, यानी कि 71 71.4 मीटर का, 71.4 मीटर का था. ठीक है, अच्छा वो किसके ऊपर डेडिकेट किया था ना, सूफी संत और कुतुबुद्दीन भक्तियार काकी के. ठीक, दूसरा, ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया वक्तुल इस्लाम. वो पहला मॉस्क बनाया था वक्तुल इस्लाम का. अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर. ये सब एक एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, और आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा. ये जो 1, 2, 3 पॉइंट्स है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चलते हैं दूसरे वीडियो को, देखते हैं दूसरे पेज में क्या है. ये देखो आपका रहा कुतुब मीनार, ठीक है, ये रहा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अच्छे से याद रख लेना. और अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार किसने बनाया था ना, आइबाक, आइबाक ने बनाया था. चलो देखते हैं आगे. अच्छा, मिडेवल में, उसके बाद मिडेवल इंडिया में क्या होता है, हमारा जो प्यारा सा भारत का दिल्ली सल्तनत अभी किसके हाथ में, कुतुबुद्दीन आइबक के हाथ में है. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है ना. हिज टास्क वॉज हाफ डन, उसका जो कारनामा था वो आधे में ही रह गया. क्यों, डाइड ऑफ सडन फॉल फ्रॉम द हॉर्स बैक एट द लाहौर. देखो इस हॉर्स के पेट में जब वो सवार बैठा घूम रहा था, यानी कि वो एक खेल खेल रहा था, उसका नाम है चौगान, यानी कि पोलो. ठीक है, खेल रहा था तब वो गिर के मर गया, यानी कि उसका डेथ हो गया. और जो वो जो हॉर्स था, यानी कि वो जो घोड़ा था, उसका नाम क्या था ना, सुवरक, यानी कि वो शुभ था. पर वो कुतुबुद्दीन आइबक के लिए क्या साबित हुआ, अशुभ. तो आप इस तरह से याद रखते हैं, सुवरक उसका क्या था, हॉर्स का नाम था, तब वो मर गया. यानी कि जो डायनेस्टी में दूसरा उसका दूसरे उसके उसके डायनेस्टी पर जो आने वाला है बारिश, तो उसका कौन होगा, उसका पुत्र होगा. पर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं. क्या दिक्कत है, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है. पर इल्तुतमिस क्या हो गया, किंग बन गया, यानी कि सोने की खदान का मालिक अब कौन बन गया, इल्तुतमिस. यानी कि हम जो प्यारा सा भारत दिखा रहे थे आपको, यानी कि ये वाला देखिए, इस जगह पे अब मालिक कौन हो गया, इल्तुतमिस. पर उसका बेटा नहीं हो पाया, उसका बेटा नहीं बन पाया. तो कुतुबुद्दीन आइबक का एक बेटा था, ठीक है, कुतुबुद्दीन आइबक का एक बेटा है, उसका नाम है आराम भक्स. क्या है, आराम, आराम भक्स, आराम भक्स. पर क्या हुआ, द स्लेव एज वेल एज सन इन लॉ ऑफ आइबक, यानी कि आइबक का सन इन लॉ है कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिस. ठीक है, ही केम टू द पावर बाय डिस्पोजिंग द आराम भक्स, यानी कि उसका नाम ही आराम भक्स है और वो हमेशा आराम ही करता था, जिसके वजह से उसे किसने, इल्तुतमिस ने उसे हटा दिया राजगद्दी से. अब सोने की खदान, इसको तो लालच आ गया था सोने की खदान के ऊपर, तब ये उसका बारिस बन गया. ठीक है, एंड ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जहाँ से हम टॉपिक का स्टोरी शुरू किए थे,
कि क्यों हम इसे बोलते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर है, क्योंकि ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजगद्दी संभाली थी और मर गए कब ना 1210 में, यानी कि इसने सिर्फ 4 साल ही अपनी राजत्व की थी। इसके वजह से इसने कई सारे कारनामे नहीं कर पाए, और वो कारनामे किसने किए ना इल्तुतमिश ने किए हैं, ठीक है, जिसके वजह से इसको रियल फाउंडर ऑफ कहा जाता है, इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। ही मेड तुर्केन ए चालगानी ए ग्रुप ऑफ 14 पावरफुल टर्किश नोबल, यानी कि ये क्या किया कि अपने राज्य को सुरक्षा करने के लिए इतने इसने क्या किया ना 40 नोबेल टर्किश यानी कि 40 रूलर्स को इकट्ठा बनाया और उसे एक नाम दिया तुर्कान ए चलगानी, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रट्टा लगा दो, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि तुर्कान ए चलगानी किसने बनाया था, ठीक है। इन दिस पीरियड चंगेज खान इन्वेडेड टू इंडिया, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस पीरियड चंगेज खान इन्वेडेड टू इंडिया, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चंगेज खान इन्वेडेड टू इंडिया कब, किसके टाइम पीरियड में, आप उस वक्त अगर इस स्टोरी को अच्छे से याद रखे होगे तो काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आता है इसका स्टोरी। चलो ये रहा चंगेज खान, ठीक है, ये रहा आपका चंगेज खान, ये रहा जलाउद्दीन मंगबनी। चंगेज खान का एक राजकुमारी था, राजकुमारी सी बेटी यानी कि परी था एक, और ये तो देख रहे हो एक डॉक्टर की तरह दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच कुछ अफेयर्स हो गया यानी कि कुछ लव का रिश्ता जम गया। पर चंगेज खान सबसे ताकतवर इंसान था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने क्या सोचा कि इसको मार दिया जाए, इस बंदे को बेचारे को मार दिया जाए, इस बंदे को मार दिया जाए। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया ना इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश के पास चला गया, ठीक है, इल्तुतमिश के पास चला गया और उसके शरण में रहने लगा। जब शरण में रहने लगा तब चंगेज खान ने क्या किया, उसने इंडिया आने की कोशिश किया। तब जब इल्तुतमिश के पास जो गवर्नर्स थे यानी कि उनके आसपास जो मंत्रियां थे, उन्होंने बता दिया कि चंगेज खान को आप जानते नहीं हो कि चंगेज खान एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत किंग है, अगर उसका पैर इंडिया में पड़ गया तो बात ख़त्म, आपकी राजत्व फिनिश। तो इल्तुतमिश को घबराहट होने लगी, इल्तुतमिश को घबराहट होने लगी और डर के मारे सोचे कि नहीं, मुझे इसे बता देना चाहिए कि भाई तू यहाँ से निकल, वरना मुझे चंगेज़ खान से, मुझे तो खुद डर लग रहा है और मैं तुम्हें क्या बचाऊँ, तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से चंगेज़ खान के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। ही ऑर्गेनाइज द इक्तिया सिस्टम्स, टू टाइप ऑफ करेंसी यानी कि उसने दो टाइप का करेंसी बनाया था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड ए सुल्तान ग्रेट रोम एट दिल्ली आफ्टर द नेम ऑफ हिज सन नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एंड फॉर दिस ही वॉज द दिस टॉम वॉज द फर्स्ट टॉम इन दिल्ली, सो ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम, इसका जो बेटा था वो चल बसा था, इसके वजह से इसने क्या क्या पहला मकबरा बनाया था और उस मकबरे का नाम दिया था क्या नासिरुद्दीन के नाम के ऊपर, तो इसके वजह से इसको फादर ऑफ टॉम करते हैं और ये एक नंबर वन क्वेश्चन है। चलो दूसरा वीडियो तो मैं कल आपको देने वाला हूँ शाम को 7 बजे, ठीक है, आना मत भूलना। और इस स्टोरी को मैं पहले से थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। ये रहा दिल्ली सल्तनत, पहले इलाबरी यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक आए, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत कैसे हो गया ना, वो खेल रहे थे क्या पोलो खेल रहे थे, घोड़े के ऊपर खेल रहे थे और इस घोड़े ने सुवृक्ष ने गिरा दिया और उनका मौत हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या करते हैं, उसने तुर्कन ए चालगानी बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल नोबल टर्किस, उनके टाइम पीरियड में कौन होता है चंगेज खान आते हैं,
और ये उन दोनों का जो अफेयर्स चल रहा था चंगेज़ खान और जलालुद्दीन मंगबन्नी के बारे में बता दिया आपको। तो ये पूरा हमारा वीडियो था, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज़ इन सब बच्चों को भेज दीजिए जिन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ना है और मिडेवल इंडिया के बारे में जानना है। और ये एक स्टोरी के तरह है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। और कौन कौन पॉइंट से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ जो आप लोग मेरा पहला वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हो, प्लीज़ जाके उसे देख लो ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम दूसरे वीडियो में शुरू करने वाले हैं राजिया सुल्ताना, इनके बारे में, ठीक है? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।